Hello guys, welcome back. We were discussing about types of single spindle automatic lathes, and so far we have discussed automatic cutting off lathes and switch type automatic screw machines. Now in this virtual class we are going to discuss another type of single spindle automatic lathe, that is automatic screw machines. These machines are also called turret type automatic screw machines because these automatic screw machines are having turret head. These automatic screw machines are very similar to capstan lathe and turret lathe, but these are having full automation. आज की वर्चुअल क्लास में हम ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. इन ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन्स को टर्रेट टाइप ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन्स भी कहा जाता है क्योंकि इन मशीन्स में टर्रेट हेड लगा होता है. टर्रेट हेड लगा होने के कारण ये कैपेस्टन लेथ और टर्रेट लेथ की तरह ही सिमिलर है, लेकिन इनमें फुल ऑटोमेशन होता है. जैसा कि हम जानते हैं कि कैपेस्टन लेथ एंड टर्रेट लेथ में ऑटोमेशन ऑटोमेटिक बार फीडिंग एंड ऑटोमेटिक टर्रेट टूल इंडेक्सिंग के रूप में होता है, लेकिन इन ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन्स में ऑल दी हैंडलिंग एज वेल एज प्रोसेसिंग ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली किए जाते हैं. वी हैव ऑलरेडी गोन थ्रू दी कैपेस्टन लेथ्स एंड टर्रेट लेथ्स इन आवर लास्ट वर्चुअल क्लासेस. If you haven't gone through the virtual classes that are related to capstan lathe and turret lathe, you can find the link of semi-automatic lathes in the description box, or you can find the link in the cards shown above. Here, this diagram represents capstan lathe and this diagram represents turret lathe. You can see in both of these lathes there is a hexagonal turret. In this capstan lathe, the hexagonal turret that is having 6 number of faces is mounted on ram, and this ram is mounted on shutter. That's why capstan lathe is also called ram type turret lathe. And in the turret lathe, the hexagonal turret is directly mounted on saddle. That's why this type of lathe is also called saddle type turret lathe. यहाँ आप देख सकते हैं कि कैपेस्टन लेथ और टरेट लेथ दोनों में जो हेक्सागोनल टरेट है वो वर्टिकल डायरेक्शन के अबाउट रोटेट करता है टूल्स को इंडेक्स करने के लिए, और इस हेक्सागोनल टरेट में 6 फेसेस बने होते हैं. आज जिन ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं उनमें हम देखेंगे कि टरेट हेड तो लगा होता है लेकिन वो कुछ अलग तरह का होता है, और वो वर्टिकल डायरेक्शन के अबाउट रोटेट न कर अनोदर एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है. तो लेट्स कम बैक टू अवर टुडेज टॉपिक ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन. दीज ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन्स आर एक्चुअली ऑटोमेटिक टररेट लेथ्स फॉर बार वर्क, और दीज आर ऑफ बार टाइप ऑटोमेटिक लेथ्स. दीज ऑटोमेटिक लेथ्स आर इनिशियली डिजाइन फॉर प्रोड्यूसिंग स्क्रूज, but nowadays these are used for producing other products by using a number of special attachments. Thus on these machines we can machine complex external as well as internal surfaces on the workpiece that are in of bar type or rod type, and the size of the parts that can be produced on these machines varies from 12 mm to 60 mm in diameter. जो कंपोनेंट्स इन मशीन्स पर प्रोड्यूस किए जाते हैं वो बहुत ही स्मॉलर साइज के होते हैं. नाउ लेट्स टेक हेल्प ऑफ ए डायग्राम टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन्स. दिस फिगर इज ऑफ टरेट टाइप ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन. हियर यू कैन सी दिस इज द फाउंडेशन on which bed is mounted. On the left side of this bed there is a headstock that is consisting driving mechanism, and on the right side of this bed there is a turret head. This turret head
इज ऑफ सर्कुलर शेप एंड कैन अकोमोडेट सिक्स नंबर ऑफ टूल, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड सिक्स स्टेशन राउंड टूल टरेट। दिस टरेट हेड कैन स्लाइड ओवर द गाइडवेज प्रोवाइडेड ऑन द बैट। एज दिस टरेट टाइप ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन इज ए टाइप ऑफ सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन, सो दिस हेड स्टॉक इज कंसिस्टिंग ओनली वन स्पिंडल एंड दिस स्पिंडल कैन बी रोटेटेड इन बोथ क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एज दीज मशीन्स आर मेनली यूज फॉर बार वर्क, दैट्स वाई दिस हेड स्टॉक इज ऑल्सो हैविंग कॉलेट चक। सो हेयर यू कैन सी द वर्क इज इन फॉर्म ऑफ बार ट्यूब। The feeding of this bar tube is done by automatic bar feeding mechanism. In front of this machine, you can see the camshaft that is having number of blade cams. So this is the camshaft and these are the cams for controlling various movement of tools. In between the headstock and turret head, there are three number of tool slides. Two are in crosswise direction that are known as cross slides. One is situated at front and another is situated at rear end. And third tool slide is on the top side. So this is the third tool slide. The movement of tools mounted on these cross slide and top slide is controlled by the cams mounted on this camshaft. And the movement of the tools that are mounted on this turret is controlled by using this lead cam. This lead cam is having six slopes to operate the round tool turret. And forward and backward motion of this turret is also controlled by this cam. Here you must note that the turret head of this turret type automatic screw machine is in circular form. And the face of this turret head is towards us, like this face is in front side. And this face is consisting six number of tools. And the axis of this turret head is in horizontal direction. That means this turret rotates about the crosswise direction. Here, slow forward motion and fast backward motion of this turret is regulated by this cam arrangement. So here you can find that turret type automatic screw machines are having the turret that is of circular form and it is rotated above horizontal direction. If you can remind that in the capstan lathe or turret lathe, the turret is in form of hexagonal type and it is rotated above vertical direction. Turret type automatic screw machine में आप देख सकते हैं कि bed के left side में headstock लगा हुआ है और bed के right side में turret head लगा हुआ है. Turret head सर्कुलर फॉर्म में है जिसके फेस पर सिक्स नंबर ऑफ टूल्स लगा दिए जा सकते हैं। टरेट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है। टरेट और हेडस्टॉक के बीच में थ्री नंबर ऑफ टूल स्लाइड्स लगे होते हैं जिनमें दो क्रॉस स्लाइड्स हैं जिनमें एक फ्रंट एंड पे लगा होता है दूसरा रियर एंड पे लगा होता है और तीसरा टूल स्लाइड टॉप में लगा होता है। हेडस्टॉक में कोलेट चक लगी होती है क्योंकि टरे टाइप ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन में मेनली बार टाइप वर्क पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। चूंकि ये मशीन सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ का टाइप है तो इसमें जो स्पिंडल है वो एक ही है और ये स्पिंडल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है। टूल्स वगैरह की डिफरेंट मूवमेंट करवाने के लिए और इनको रेगुलेट करने के लिए मशीन में फ्रंट साइड में कैमशाफ्ट लगी हुई है जिन पर नंबर ऑफ कैम्स लगी होती हैं। साथ ही टरेट हेड पर लगे टूल और टरेट की स्लाइडिंग मोशन को रेगुलेट करने के लिए लीड कैम लगी होती है जिसमें सिक्स लोब्स बने होते हैं। अप टू दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ्स। इफ यू हैव मिस्ड एनी टाइप ऑफ सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ क्लास देन यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ ऑल द वर्चुअल क्लासेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।